सो हेलो एंड वेलकम गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट गेमिंग यूट्यूब चैनल गेमर प्लास्टी पे। तो गाइस एक बार फिर से खेलने जा रहे हैं हम लोग रॉप हीरो वाइस टाउन। तो गाइस लेकिन आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें कि भाई हमारा जो रॉप हीरो है ना, देख सकते हो मतलब पूरा जादुई बाबा बन चुका है और पता ही नहीं कैसी कैसी अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। तो कभी तो ये टिप्सन दादा को जान से मार देता है, कभी मतलब उनसे बात भी नहीं करता है। तो चलिए गाइस करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट, क्योंकि आज की वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। वो तो आप सभी लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, लेकिन आज जो आप देखोगे वीडियो में वो भी बहुत ज्यादा शानदार होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। और रही बात शाउट आउट की, तो पिछली वीडियो में मैंने कोई शाउट आउट नहीं किया था, इसलिए आज की वीडियो से स्टार्ट करने वाले हमारे शाउट आउट को। तो शाउट आउट के रूल्स आप लोग सभी ध्यान से सुन लीजिए। तो आप लोगों को क्या करना है, एक अच्छा सा कमेंट करना है, लेकिन वो अच्छा सा कमेंट आपके वॉच टाइम पर डिपेंड करेगा। तो भाई अब ये वॉच टाइम क्या होता है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। तो आप में से जो लोग मतलब पूरी वीडियो देखेंगे, जैसे हमारी वीडियो मान लीजिए 5 मिनट की है, तो उसका अगर बंदे का वॉच टाइम 5 मिनट का होगा और उसका कमेंट अच्छा होगा, जिसका मतलब सबसे ज़्यादा वॉच टाइम होगा, उसी का नाम हमारे शाउट आउट में दिया जाएगा। अगर आप हमारी पूरी 5 मिनट की वीडियो देख कर अच्छा सा कमेंट कर दें तो आपका नाम आएगा 101% हमारी वीडियो में। तो चलिए गाइस करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। शाउट आउट के नियम मैंने आपको बता दिए हैं। तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं मतलब मैंने यहाँ पर दो दो गाड़ियाँ मंगा के रखी है, एक तो हमारा मॉन्स्टर ट्रक और रोड स्टार कार। तो चलिए गाइस उठाते हैं इन गाड़ियों को। लेकिन उससे पहले मैंने आपको दिखाई, ये ग्रेनेड नहीं था, ये था फ्रीज ग्रेनेड, जिससे कि मतलब हम किसी भी चीज को जमा सकते हैं। तो गाइस मतलब बहुत शानदार वाला ग्रेनेड है। तो देख सकते हो मतलब मैंने यहाँ पर अपनी रोड स्टार कार भी जमा दी है। तो मेरे मतलब पीछे से यहाँ पर फायरिंग हो रही है, तो उसको मैं पहले सबक सिखा देता हूँ। तो चलिए गाइस इसके ऊपर भी एक हम लोग फ्रीज ग्रेनेड फेंक ही देते हैं। तो गाइजर हमने फेंक दिया, लेकिन भाई ये अभी तक यहाँ पर जमा नहीं है, लेकिन इसके मुंह पर हम लोग अब फेंकने वाले हैं। तो गाइजर देख सकते हो अब ये पुलिस वाला पूरी तरह से जम चुका है। तो चलिए गाइजर इस पुलिस वाले को तो हमने यहाँ पर जमा दिया है, लेकिन अब हम चलते हैं यहाँ टिप्सन दादा के पास। तो हम लोग चलेंगे भाई अपनी रोड स्टार कार से, क्योंकि भाई रोड स्टार कार बहुत ज्यादा स्पीड से चलती है। तो चलिए पहले इस पुलिस वाले को कुचल देते हैं। तो भाई इसको कुचलने के बाद हम लोग चलने वाले हैं सीधे टिप्सन दादा के घर पर। लेकिन देख सकते हो भाई हमारे पीछे पुलिस है, तो मतलब पुलिस हमसे छेड़खानी जरूर करेगी। लेकिन टिप्सन दादा का घर दूर नहीं है, क्योंकि हम लोग पहुंच चुके हैं टिप्सन दादा के घर पर, लेकिन पुलिस को पहले टक्कर हमने यहाँ पर मार दी है। तो भाई अब हम लोग पहुंच चुके हैं बिल्कुल टिप्सन दादा के घर के पास, क्या मतलब घर पर ही हम लोग पहुंच चुके हैं। तो अब निकल जाते हैं मतलब रोड स्टार कार से बाहर। तो भाई मैं निकल चुका हूँ बाहर, लेकिन देख सकते हो पीछे से कल्लू पुलिस वाला आ रहा है। तो भाई इसको सबक सिखा देते हैं पहले। तो भाई मैं इसको यहाँ पर फिनिश कर देता हूँ। तो देख सकते हो पीछे से गोरा पुलिस वाला भी आ चुका है, तो इस गोरे पुलिस वाले को भी मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो भाई इस पर तो मैं फ्रीज ग्रेनेड फेंक कर इसे जमा ही देता हूँ। लेकिन गाइस ये पुलिस वाले पता नहीं कैसे बच जाते हैं मेरे फ्रीज ग्रेनेड से। तो देख सकते हो मतलब दूसरी बार में भी यहाँ पर बच गया, लेकिन तीसरी बार में यहाँ पर बिल्कुल नहीं बचा है। देख सकते हो मैंने इसको यहाँ पर पूरा फ्रीज कर दिया है। तो अब देख सकते हो मैं पहुंच चुका हूँ टिप्सन दादा के पास। तो हेलो टिप्सन दादा, कैसे हैं आप? आज हमें क्या मिशन देने वाले हैं, जल्दी से बताइए, हम आपका मिशन कंप्लीट करेंगे। अरे छोटे, मुझे एक जाइंट ईगल चाहिए। तू अगर मुझे वो जाइंट ईगल ला कर देगा तो मैं तुझे बदले में बहुत सारा पेटीएम कैश मतलब पैसे तेरे को मैं पेटीएम कर दूंगा। बस तू जाकर मेरे को वो जाइंट ईगल ला दे। तेरे फोन में तेरे पैसे नहीं आए तो तू टिप्सन दादा को आकर दोबारा बताना। ठीक है टिप्सन दादा, मैं कहीं से भी आपको जाइंट ईगल ला दूंगा, लेकिन पहले ये तो बताओ आप उस जाइंट ईगल के बदले में हमें कितने पैसे देने वाले हो? अरे छोटे, तू जाकर मुझे जाइंट ईगल तो ला कर दे। तू भी बोलेगा आपने तो मुझे माला माल कर दिया। बस तू जाकर जाइंट ईगल ला कर दे, और तू पैसे की टेंशन मत ले, तेरे को मैं माला माल कर दूंगा। बस तू जाकर उस जाइंट ईगल को जल्दी से पकड़ ला, क्योंकि उसे कोई पकड़ नहीं पाता, और मुझे पता है ये काम तू आसानी से कर देगा। तो चलिए गाइस जल्दी से चलते हैं उस जाइंट ईगल को पकड़ने, क्योंकि टिप्सन दादा ने कहा है कि वो हमें माला माल करने वाला है, तो मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो मतलब देखते हैं वो जाइंट ईगल मतलब कितना ज़्यादा जाइंट है। तो उसको तो हम आसानी से पकड़ लेंगे, क्योंकि आप सभी को मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि हमारा जो रॉप हीरो है भाई पूरी तरह से जादुई हो चुका है। तो भाई जादुई रॉप हीरो आप सभी को पता है पहले वाले रॉप हीरो से कुछ ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। तो जल्दी से चलते हैं अपन लोग जाइंट ईगल को पकड़ने। लेकिन उससे पहले भाई टिप्सन दादा को यहाँ पर फ्रीज ग्रेनेड से हम लोग यहाँ पर जमा देते हैं, जिससे कि ये कहीं पर भागे नहीं। तो अब चलते हैं भाई हम लोग जाइंट ईगल को पकड़ने। तो हमें वो जाइंट ईगल कहां पर मिलने वाला है, तो भाई इसके आगे वाला सीन देखना बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो भाई अब मैं यहां पर जाइंट ईगल की खोज में निकल चुका हूं, लेकिन उससे पहले मैं मारने वाला हूं यहां से जंप। तो भाई ये जंप मतलब जंपर से जंप बहुत ज़्यादा शानदार लगती है। तो मैंने यहाँ से अपना जेट पैक खोल लिया है, क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो मुझे पता है वो कहाँ पर मिलने वाला है, जाइंट ईगल। तो जल्दी से चलते हैं, मुझे दिख चुका है जाइंट ईगल, क्योंकि मैं एक दो बार पहले भी उसे पकड़ने यहाँ पर आया हुआ हूँ। तो गाइस आज की वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर देना। तो गाइस अब मैं आ चुका हूँ कुछ इसी जगह पर, मुझे मिलने वाला है जाइंट ईगल। तो चलिए उस जाइंट ईगल को बुलाते हैं और पकड़ते हैं।
तो बार बार यहाँ पर आता रहता है। तो देख सकते हो ये जाइंट ईगल यहाँ पर वापस से आ चुका है। तो इस जाइंट ईगल को पकड़ने के लिए हमारा जादुई रॉप हीरो एक जादुई मंत्र बोलेगा जिससे कि हमारे पकड़ में आ जाएगा। अगड़म बगड़म तिगड़म आजा मेरे बैग के अंदरम, अगड़म बगड़म तिगड़म आजा मेरे बैग के अंदरम। तो देखना गाइज यार, अब इसके कानों में जैसे ये वाली आवाज पड़ जाएगी तो वैसे ही ये हमारे बैग के अंदर आ जाएगा। तो चलिए गाइज यार, अगड़म बगड़म तिगड़म आजा बैग के अंदरम। तो हमने यहाँ पर दोबारा मंत्र बोल दिया और ये अब हमने इसे पकड़ लिया है। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं टिप्सन दादा के पास। तो ये लो टिप्सन दादा, मैं आपको आपका जाइंट ईगल पकड़ कर लेकर आ गया हूँ। तो पहले मेरे पैसे दो, बाद में मैं तुम्हें जाइंट ईगल दूंगा। अरे छोटे, मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। मैं तो देख रहा था कि तू क्या जाइंट ईगल को पकड़ कर भी लाता है या यूं ही मजाक करता रहता है। मुझे तेरे जादुई पे शक था कि तू जादुई कैसे हो सकता है, इसलिए मैंने तुझे जाइंट ईगल पकड़ने को बोला था। लेकिन तू तो सही में जाइंट ईगल पकड़ कर लेकर आ गया। तो मेरे पास तो कोई भी पैसे नहीं है, मैं तुझे कुछ भी पैसे यहाँ पर नहीं दे सकता हूँ, इसलिए मुझे माफ कर दे। तो गाइस यार, टिप्सन दादा को तो परमानेंट माफ कर दिया, लेकिन आप लोग कमेंट में जाकर बताइए मुझे और कौन कौन से गेम खेलने चाहिए। और मैं अगली वीडियो लाने वाला हूँ पबजी की, तो भाई उसको भी देखकर उसे भी लाइक कीजिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।